पढ़ाई लिखाई का फायदा कौन नौकरी है न है कुछ नहीं लड़कियों के लगे और वह सिलेंडर दिन वह महंगा और को हमका लाभ मिली हमको कोई लाभ नहीं मिली होली और दीपावली में गैस फ्री देते हैं हाँ। तो वो फ्री मिलती को वो भी नहीं मिलती कहाँ मिली कुछ नहीं मिला नहीं मिला भैया हमको कुछ नहीं मिला है कबो नमक रोटी रोटी खावा 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 भात इतना तो सौ रुपया मिलेंगे तो उसमें पेट भरेंगे बच्चों को मट्टी तेल भी बंद कर दी चीनी भी बंद कर दी बताओ का चीज दिए कुछ दिए है तो काहे के लालच उनको हम वोट दे दे सभी का स्वागत है मैं हूष कांत रायबरेली लोकसभा लगातार कवर कर रहा हूं अलग अलग गांव में जाकर के कोशिश कर रहा हूं जानने की कि इस बार लोकसभा चुनाव में माहौल क्या है पब्लिक के क्या मुद्दे हैं और दूसरी चीज जब से राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा से नामांकन किया तो एक जो माहौल की बात पूरे देश भर में हो रही है रायबरेली में क्या वही माहौल है इस पर भी चर्चा करेंगे और जो दो गारंटी जो लगातार पब्लिक के जो मन में है जो चल रही है सबके हाथ में जो दी गई है एक मोदी की गारंटी दूसरी राहुल की गारंटी क्या वो रायबरेली लोकसभा में कारगर साबित हो रही है इस समय तमनपुर गाँव में हूँ यहाँ पे खेत में हमारे साथ तमाम किसान हैं जिनको आप काम करते हुए देख पा रहे हैं कोशिश करेंगे एक एक करके सभी से बात करने की और समझने की कि रायबरेली लोकसभा में जो पब्लिक है जो किसान है उनके मन में क्या चल रहा है और दूसरी बात जब से नामांकन हुआ है तब से जो माहौल की जो बात हो रही है उस पर क्या कुछ है क्योंकि यहाँ की पब्लिक लगातार कह रही थी कि गांधी परिवार का कोई ना कोई आकर के सदस्य को रायबरेली या मीठे चुनाव लड़ना चाहिए अब रायबरेली में राहुल गांधी ने खुद से नामांकन कर दिया है तो पब्लिक के मूड क्या है इसको समझते हैं दादा नाम क्या हुआ गया प्रसाद गया प्रसाद जी क्या चल रहा है इस समय माहौल माहौल सीधे कांग्रेस का चल रहा है कांग्रेस का क्यों चल रहा है इबरे की न कबो यहाँ योगी आए न मोदी आए गांधी परिवार का साल दो साल में एक दर्शन कर हम ते समझो धन हुई गए कबो आए यहाँ जब गैस सिलेंडर बांटी चार सौ का जब गैस सिलेंडर भरा जा इनकी फिर बाटी बारह सौ का भरवा रहे बचे भी तो दिए सिलेंडर अरे फ्री दिए जब गाद नहीं फिर सिलेंडर हुई जाये वहां हमारे सिलेंडर में अधिकार है भाई सिलेंडर वो दिन गैस तो देखा फर्जी कबाड़ में फिर चले फिर हम तो कहाँ मतलब कल कल वापस फिर कर ले हैं कहीं जमा करो आए जमा करने के बाद तो अभी तक नहीं हुई है अरे हो, हो, हो जाए ब, 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 बिजली जो है जैसे अब अब बिजली है पानी है अब जैसे यह सब हमारे यहाँ कांग्रेस के देन है इन का दिन हमें हमें कुछ नहीं दिन ये पाँच किलो गेहूँ महीना और सत्रह रुपया दिन हम अपने काम नहीं चली पावा दो हजार रुपया किसान सम्मान निधि दे देते हैं हाँ तो दो हजार कब दिया छमाही दिया था तो छमाहि में दो हजार रुपया कहाँ चल पाई है भैया आपे बताओ को हुँ? तो अभी क्या करने वाले हो आप लोग आप तो हम इन, इनका हटा दिया दूर से हटो गए की ऐसे मुंह न करी है मोदी योगी जी कभी नहीं कभी नहीं आए मरे मराए नहीं आए भाजपा के नेता तो आते होंगे आय अरे यहाँ कौनू नहीं देखा नेता नगरी है अब वहां तो जो अधे है उन्हें पैसा दे दी ले चले गए कौन सी बात है अरे वह वह गुप वही गुपचु गुपची बात हम कहिए पता ही नहीं है छोटे जनता का सरकार में तपता तापे नई हजार रुपया जुर्माना दी है गाड़ी मांग के हम तपता का ढाई हजार अरे अलाओ 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 जलाए ढाई हजार रुपया जुर्माना किसको दिए लेखपाल ले गए हैं नहीं कहें तुमका जेल भेज दिया अब मांग मोके सबसे दी है ना पैसा कहा अलाउ तो अपने का ढाई हजार रूपये हाँ जी हाँ कौन लेखपाल थे लेखपाल के अनाव है तुम जान रहे बता दियो लेखपाल यहाँ पे जो मौजूदा लेखपाल नहीं नहीं तब तक दो तीन ठाई हो गए वो तो छिनाराम सर पकड़ गया रहा है सही बात है जेल चला कर रहा है अच्छा लेखपाल आपसे ढाई हजार रुपये ले गए हाँ ले गए भैया रसीद धरी हमारे पास तो हम तय कर रहे पैसा नहीं देना हम कोर्ट में जमा कर पैसा कोर्ट में जमा करने का हाँ बाबा हमें कह रहे हैं किसानों के यहाँ पे दिक्कत ही दिक्कत है बहुत दिक्कत ही है इनते संतु ने बछवा बताओ बछवा दुई गोई बैल रखे रहन भैया दुई गोई बैल दुई गोई बैल यमे खेते के पारा को उनका कहाँ की नहीं है बप्पा का हमें बछवा मारी सी है ये इन्हें बछाओ इन्हें छोड़े आठ हजार रुपया लाग है आठ टाक लागे आठ हज़ार रुपया दिन डॉक्टर सतीश मौजूद हालत में है भाई इस सरकार दे तमाम खानदान छूट गए तमाम व्यवहार ये देखो खड़े हमारा इनके बच इन्हें बछवन में लड़ाई भवे आज तक बोलचाल नहीं आप लोग आ तुम्हें तो खेते आ गए हैं छोड़ भाई हैं हमारी तार पूरे हार में बंधे दू किलोमीटर तार हुआ से जाख वैसे गांगे हुआ तक तार बंधा रहा है वैसे हसनपुर ऐसी तमनपुर बॉर्डर सब बछवन जौन रात रात जागी कु है भैया सरकार में मौ, हाँ मऊ तो हो गया हम अपने मरे भरी नहींगमत रहें हम पंचायत कभी हम मरी जाए तो छुट्टी मिले इतना नाराज है अरे नाराज नहीं अगर हम खड़े बता दें अगर हमारे गोली को मार दे की पंजाब वोट दियो तो पंजा वोट न दे वही पर कमल पर गोली भले मार दियो और पंजाक सहिताल लट्ठू चलो हम पंचायत किसान मन नहीं यहीं खुरपत काट डर हम पंचायत मतलब अगर आप कमल पे वोट देना होगा तो गोली खा लेंगे वोट नहीं देंगे बिल्कुल नहीं देंगे बिल्कुल नहीं देंगे गोली खा लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे यही हमारी इतनी पकड़ हमारी यही हमारी यही है पंजा को वोट इतना प्रेम क्यों हो गया पंजे से आता प्रेम होगा हमारा बाबा हमारे बाबा ना धाव खुआ है पानी हैं तो वही नाधाव कगारी फाड़ के मुँह दिखे मरिए पानी नहीं खेत भोवा जब इंदिरा जी आई नहरी हम बचे पार्थ उनका खाए नमक, उनको हम अदा करेंगे जब तक जिंदा रहेंगे इंदिरा गांधी की वजह से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उनकी जान चली गई देश के लिए यहाँ पर लोग उस सभी चीजों को याद करते हैं अम्मा आपका नाम क्या हुआ मधु मधु जी खेत में काम कर रहे हैं मोदी जी का कोई लाभ मिला आपको कोई लाभ नहीं मिला कोई तो लाभ मिला होगा कौन लाभ है लड़का मासायन सायन मंजूरी कर रहे हैं पढ़ाए लिखाए न एम ए बी सब कराए हैं और एक लड़कन का नहीं कि नौकरी चाकरी कहूँ मिल जाए भला कांग्रेस होते तो कहूँ ना कहूँ तो रास्ता लगवा करती लड़का हमारी अब विधवा में हिरिया ही या निरा रहें लगा रहे तो खा रहे हैं लड़का इतना मंजूरी धतूरी कह के ईटा गारा कह के खा रहे हैं पढ़ाई लिखाई का फायदा कौन नौकरी है ना चाकरी है कुछ नहीं लड़कन के लगे तीन तीन लड़का अड़ारा साढ़ वैसे घूमत हैं पढ़ाई लिखाई करने में मजदूरी करनी पड़ रही औ का लड़कन का निरा लगा कि पढ़ाइन लिखाइन और आखिरी में ही कौन नौकरी नहीं फिर लड़कियों मंजूरी कर रहे हैं। इतना तुम्हारे उम्रे के खेती किसानी में यहाँ ईंटा गारा ढुआव थी मंजूरी हैं कौन काम है विधवा मेहरिया हमूँ न आदमी है न कौ है कमा खा रहे पेंशन आवत है पेंशन मिलत है और खेती है खेती में तीन लड़िका हैं हम हम सबके खेती लगेल खेती पैसा नहीं मिलत हैं तीन तीन चार चार दिन फार्म भरान फार्म भरा दियो तो खेती वाला पैसा ही खेती पैसा नहीं मिलत है कोई लाभ नहीं, नहीं परेशानी बहुत है परेशानी बहुत है तो घर कैसे चला पाते हो आप अरे अब यही मंजूरी धतूरी तो लोन रोटी नमक रोटी कौन भी खाई थे औ का बताई खेती ताल में है धान तो थोड़े बहुत हो जाते गेहूँ वह नहीं हुआ थी तो आप बोले कांग्रेस की सरकार हो जानी चाहिए तो कांग्रेस सरकार में क्या चीज़ ज़्यादा जा अच्छी लगी आप अरे कांग्रेस सरकार में यहाँ सब कुछ बढ़िया है सब चकाचकु रह है नहीं कुछ हो तो अपन कांग्रेस हमारे गांव में आवत है सोनिया जी आई हैं प्रियंका जी आई हैं और मोदी सरकार तो कबो यहाँ दर्शनो नहीं दी से आज तक का देखे नहीं बहन वही टीवी में यहाँ देखे न और कहाँ देखे और प्रियंका जी हो रही तो वही भाई जब नहीं ऐसे होती लेकिन इलेक्शन के टाइम आगे पीछे कबो कबो तो औती हम है हमें यहाँ आप लोग के पीछे आगे पीछे हाँ कबो आई है हम पंचे दो तीन बार देखे नही हमारे यहाँ चौराहे पर आई है मिले हैं हाँ आप लोग हाँ मिले हैं हम लोग मीटिंग में जाते हैं अब लखनऊ मीटिंग रही राजू भैया उनके साथ है लखनऊ गन्न है गए हैं मिल हाँ, आए हैं हाँ गये गये हैं उनके साथ है देखिए सब मीटिंग में, में भी जाते हैं और प्रियंका गांधी सोनिया गांधी से इन लोगों ने मुलाकात भी की है इसलिए भी समर्थन है अम्मा आपका नाम क्या हुआ अम्मा नमुआ क्या हुआ आपका कुछ बोलेंगी चलिए गांव की महिलाएं हैं कभी कभी नहीं बोल पाती हैं आपका दीदी -दी नाम क्या हुआ रेशमा रेशमा जी क्या क्या लाभ मिला है सरकार में कौन लाभ मिली सरकार में? भाजपा तो बड़ी बड़ी बातें करी कि महिलाओं का बड़ा सम्मान हुआ किसान सम्मान निधि दी शौचालय दिया और और उसके बाद रसोई गैस दी इसके अलावा आवास दी मिली है गैस मिली है गैस का झुंड नंबर बिल इतना महंगा आवत है कुछ का बार नहीं ना खेती है ना पाती है मंजूरी करते हैं खाते हैं दिक्कतें बहुत हैं और कैसे चला पाते फिर घर मजदूरी करके ईट गारा करके मजदूरी कितनी मिल जाती है सौ रुपया नरेगा वरेगा काम मिलता है नरेगा वरेगा काम नहीं मिला तुलत तो अब की क्या करोगे आप लोग कमल का फूल या पंजा कमल का फूल कमल का फूल पसंद करते हो चलिए और लोगों से भी बात करते हैं और समझते हैं कि लोगों को यहाँ पर समस्याएं क्या है और लोग पसंद किसको करते हैं आप देख रहे हैं समस्याएं काफ़ी है लगातार भाजपा सरकार ने तमाम बार बड़े बड़े दावे किए और वादे भी किए कि लोगों तक के तमाम सारी योजनाएं पहुँचाएंगे और तमाम सारी योजनाएँ पहुँचाई भी ये भी बात होती है अम्मा आपका नाम क्या हुआ शिवरानी शिवरानी जी क्या क्या लाभ मिले पिछले दस साल में अरे यहाँ लाभ मिला बता भैया खाली हम थे राशन और वह सिलेंडर दिन महंगा और कौन हमका लाभ मिली हमको कोई लाभ नहीं मिली महंगा महंगा है कहा बूढ़ मई हमारे गोड़ पाक घर में गवा, गवा, बैठ का कर कमाक हमका दिए को कमाक दिए तो हम लाइये इतना कमाई थी इतना नहीं कुछ नहीं पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिला था हमका हमको कुछ नहीं है कुछ नहीं मजदूरी हाँ, तो तो हाँ, है पाँच साल के है न तो पूरा मिल गया है अब की आंसू लगवा नहीं बो अच्छा पेंशन वगैरह मिलती है पेंसन नहीं मिलती भैया हमारा दो महीने इनको नहीं मिलते न बूढ़े बने के मिले ना हमका मिले बुजुर्गों को तो योजना चला रखी है सरकार पैसा कहीं जमा करो दिया करें? हमका नहीं मिला भैया पेंशन हमका नहीं मिल रहा तो अब की कमल का फूल या फिर पंजा किसको पसंद करते हो पंजा पंजा पसंद करते हो? हाँ पंजा पसंद करते हैं। तो एक बात और कर लें अभी जो सिलेंडर विलेंडर नहीं भरा पाते हो वो कहते हैं कि होली और दीपावली में गैस फ्री देते हैं, हैं। तो वो फ्री मिलती है वो भी नहीं मिलती है कहाँ मिली कुछ नहीं मिला नहीं मिला भैया हमको कुछ नहीं मिला है हमको नहीं मिला कुछ नहीं हम झूठ नहीं बोले थे हमको कुछ नहीं मिला है देखिए कुछ नहीं मिला है खेत में ही हम लोग बैठे हैं किसानों से बात कर रहे हैं महिलाओं से बात कर रहे हैं यहाँ पर महिलाओं को जो जो लाभ मिले हैं आपका नाम क्या हुआ अरे सर बताइए बात वहाँ होता हूँ नाम आपका राजवती राजवती जी एक किसान हो आप तो ये और आपकी खेती भी है खेती नहीं ना है खेती नहीं है ऐसे ही जा किसानी करते हाँ, हो ऐसे मजदूरी करते हाँ। हो तो कितना मिल जाता है डेली लगभग अरे मिल जाता है मजदूरी में हाई दूस डेढ़ सौ रुपया रोज का मिलत है महीने भर काम मिल जाता है महीना पे कहाँ मिलत है कभी कभी मिलता है हाँ, महीना पे नहीं मिलता वहाँ लगवा धान की पंद्रह दिन और यहाँ दस रुजा निर्वोही भी पेमेंट की मिलत है और इसके अलावा अगर बात करें नरेगा काम वो सब मिलता है नरेगा का मिलता है जो अब हर जाएगा सब दिन नहीं मिलता है सब दिन नहीं मिलता है और दूसरी बात जो मोदी जी ने जो राशन जो फ्री बांटते हैं हाँ, वो मिलता है मिलता है सिलेंडर मिला आपको हाँ सिलेंडर भी मिला है शौचालय और वो मकान वो नहीं मिला है तो सिलेंडर भरा पाती हो भरा ले थे मंजूरी इतना इकट्ठा करके भरा ले थे पाँच छः महीना पर यहाँ पाँच छः महीने पर कैसे घर चलता है इतना कम पैसे में कैसे चला पाते हो चार लोग है नहीं कभी ये इतना मंजूरी करके चला था दिक्कतें बहुत है बहुत है हैं। कब नमक रोटी खावा जा सके भात रोटी खावा जा इतना खावा जा तो इस बार कमल का फूल को वोट करोगे या पंजे को किसको पसंद करते हो? पंजे पंजे को। पंजे को। एक बात और करे ये जो सिलेंडर पाँच छह महीने भराते हो और होली दीपावली पे फ्री मिलता है वो गैस की नहीं मिलती है नहीं मिली है होली दीपावली पे वादे हुए थे कि होली और दीपावली में जो त्योहार होगा उस पर गैस फ्री दी जाएगी लेकिन आप देख रहे हैं धरातल पे स्थिति गैस फ्री नहीं मिली है हमारे साथ कुछ महिलाएं और भी हैं यहाँ पर ही बात करते हैं आपका दीदी नाम क्या हुआ गायत्री गायत्री जी ये खेती किसानी आप लोग कितने साल उस कर रहे हो जब से खेती पंद्रह बीस साल हो गए पंद्रह बीस साल तो पंद्रह बीस सालों में सबसे ज्यादा आपको लाभ किस सरकार में दिखा मोदी सरकार में कुछ नहीं मिला मोदी सरकार में कुछ नहीं कोई लाभ भी नहीं मिला सिलेंडर मिला रहा वो फ्री मिला है वो नहीं थे। भराने में दिक्कतें होती है और दीदी एक और बात कर ले फ्री राशन देते हैं और किसान सम्मान निधि देते हैं ये सब मिला हाँ पाँच किलो मिला था राशन तो उससे कोई फायदा दिखता है कि नहीं हमको उनका फायदा नहीं है कोई फायदा नहीं है तो कमल का फूल पसंद कर रही इस बार या पंजा पंजा का पंजे को पसंद कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग लोगों से हम बात कर रहे हैं समस्याएं काफी है समस्याओं पर जो निजात पाने की जो बात होती है वो निजात कहीं पर भी नहीं है सभी से हम बात कर रहे हैं आपका दीदी नाम क्या हुआ आरती देवी आरती जी आपको कोई लाभ मिला या आपको भी नहीं कोई नहीं कुछ नहीं, नहीं लाभ मिला क्या लाभ मिला पांच किलो राशन देते हैं तो बच्चे तो हमारे पढ़ने में पड़े रहते हैं सड़ रहे है घर में पड़े पड़े हैं जो पढ़ाई की तो सारी सुविधाएं नष्ट कर दी ही नहीं और फिर हो गई फीस भी महंगी कर दें बताओ सौ रुपया की निराई में हम अपने बच्चन को कैसे पढ़ा दें लड़कियों को कैसे कहीं लड़की बढ़ाइए है लड़की बढ़ाइए बचाओ बेटी पढ़ाए तो कैसे पढ़ाई जब निराएंगे तो सौ रुपया मिलेंगे तो उसमें कहो बेटी के पेट भरेंगे बच्चों के कहीं हम पढ़ाएँ क्या करें हम तो हम पढ़ाते नहीं हैं बताओ सहानी सहनी लड़की है सहन सहान लड़का है उसको कैसे पढ़ाएं पाँच किलो राशन में कहीं बच्चे इनको पेट भरेगा खाली चावल खा लेंगे खाली आटा खा लेंगे गेहूँ चबा लेंगे आए कुछ और नहीं लगता है सौ रुपया दिन भर में का हमेशा निराई नहीं, नहीं लगी रहती हमेशा नहीं किसान का काम रहता अच्छा, अभी यहाँ पे खेत बैठे हो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं ये भी नहीं पता हाँ बच्चे हमारे घर पर हैं हम निराने आए हैं दूसरे खेत में यहाँ तो बच्चे हमारे यहाँ घर पर हैं और पढ़ाई कैसे कर लें भाई जब इतनी फीसें महंगी कर देनी है कि पढ़ाई हो ही नहीं पा रही बच्चे की ये लॉकडाउन लगा दिन लड़की की पढ़ाई हमारी बर्बाद हो गई हाँ लड़की है पढ़ाई बर्बाद बताओ कहीं बेटी बचाओ बेटी कैसे बचा लें कै लाभ है ना खेती जो खेती को पैसे ही नहीं मिल रहा है को, कोई लाभ नहीं न शौचालय ना कोई लाभ नहीं कौन लाभ है कौन दे रहे हैं और खाली कहते हैं मोदी को दे वोट मोदी को दो वोट मोदी को कैसे वोट दें तो हैं तो इंदिरा गांधी हैं तो उसके तो परिवार सदस्य कोई आता है तो देखते हैं कि हाँ आए हैं या देखे हैं इनको तो वही बैनर में देख लो और नहीं किसी के मोबाइल पर देख लो किसी की टी में देख लो हमारे टी वी नहीं आए तो कैसे देख लें उनका उनकी खाली सूरत देख लें आरती उतार लें बस उसमें क्या हमारे बच्चे जी जाएंगे बच जाएंगे आए जब म सलेंडर दे दही कहीं सिलेंडर फ्री दे दिया सिलेंडर फ्री दे दही चार सौ का सिलेंडर पहले मिलता रहा अब चार पाँच सिलेंडर दे दही ग्यारह सौ चालीस का सिलेंडर भरा जा रहा है सौ रुपया हम निरा रहे दिन भर में सौ रुपया पा रहे बताओ सिलेंडर भराई और कहो दाल लाई न सब्जी लाई तो कहाँ लड़कन का पेट ऐसे भर जाएगा तो कैसे हम पढ़ाएंगे दाल ही सब्जी के लिए हम नहीं पैसा पूर कर पाते हैं निराए निराए के तो बच्चे को हम पढ़ाएँ कैसे तो मोदी को क्या उनको हमसे उनका क्या लाभ मिली लाभ कोई कुछ नहीं मिली हमको तो वोट देना है बस कांग्रेस को वोट उन देना है उनका इंदिरा गांधी को बस उन उनमें तो लाभ मिली हमारे आदमी को आवास मिला तो वही में रह रहे हैं और तो नहीं इनका इनसे तो कोई कुछ नहीं मिला खाली टी में फोटो में दिखा देन इनकी मोदी आई योगी आई बस इनका देख लियो बस कभी आते हैं कभी जानते हैं कि कहीं कहाँ तमनपुर है कहाँ सेंगो है कहाँ बछरावा है कभी कहाँ राब रैली है आए हैं कहीं यहाँ यहाँ इर्द गिर्द में कहीं देखा पर हैं आए हैं सबकी तुम्हें आते हैं सब लोग तो आते जाते हैं सबको जानते हैं कि हाँ वो देखो वो दिन आए हैं वो हेलीकॉप्टर से आए हैं इन्हो कभी आए कभी नहीं आए तो बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे हैं पढ़ नहीं रहे हैं आए फीस कहाँ से हम पूरा कर ले इसीलिए हम वोट नहीं देंगे और सरकारी स्कूल में कभी गए बच्चे आपके सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई ही नहीं होती है कूड़े की तरह बच्चे पढ़े रहते तहरी खा लो बस घूम दे घूमा करो सारा दिन घूम करो नहीं सरकारी स्कूल में नहीं नहीं पढ़ाते हमारे बच्चा एक पढ़ने जाता है वो बड़े हो गए और स्कूल ला हो गए तो उनका कहाँ पढ़ा दे भाई जब फीस नहीं पूरा पा तो कर पा रहे हैं इतना तो महंगाई कर दी नहीं है हर चीज़ पर तो महंगाई कर दी तो कहीं भी लड़कन को बताओ पढ़ावा जाए कब वो ऐसा रहा अब है कि चीनी को तरसो सब मट्टी तेल भी बंद कर दी चीनी भी बंद कर दी बताओ का चीज दी हैं कुछ दी हैं तो काहे है के लालच तो उनको हम वोट दे दे हैं चीनी को गरीब आदमी है तो एक चम्मच चीनी को बच्चे तरस रहे हैं मट्टी तेल नहीं है अब कहाँ से बत्ती आ रही कहीं ने एक एक बल्लब फ्री अब वही में सौ रुपया डेढ़ सौ रुपया दो सौ रुपया उसका बिल आ रहा है बताओ कहाँ से भर दे एक दिन निराने आए हैं अब फसिल में कहाँ दस दिन निराए तो दस दिन में कहा बिजली बिल भरी और कहो बच्चे को पढ़ाई कहो उसको दाल लोन तेल करी साग सब्जी करी तो क्या क्या करें तो हम वोटर उनको नहीं देंगे एक एक मिनट ही हम पसंद करते हैं उनको वोटर हम कहाँ देंगे देखिए लाभ देने की तमाम सारी बात की ग्राउंड स्तर पर रियलिटी देखिए सिलेंडर दिया गया किसान जो है वो सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं राशन दिया गया राशन से सबका पेट नहीं भर पाता पाँच किलो राशन से क्या होता है दूसरी बात खेतों में जा के मजदूरी करनी पड़ती है मजदूरी से बच्चों को क्या पढ़ाएं, क्या खिलाएं, क्या सिलेंडर भराएँ क्या बिजली का बिल भरें ये सारे मुद्दे हैं रायबरेली के खेतों में हम घूम रहे हैं गाँव में घूम रहे हैं और मुद्दे आपको पता चल रहे हैं कि लोगों के मुद्दे क्या हैं और इस बार किन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है देखने वाली बात होगी चार जून को जब पिटारा खुलेगा उस दिन क्या होगा फिलहाल दस साल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सारी जो योजनाएं देने की जो बात की है उसकी जमीनी हकीकत यही है जो यहाँ के किसान बता रहे हैं और आपने खुद देखा कि रियलिटी क्या है जुड़े रहिएगा ऐसा ही तमाम सारी खबरों के लिए मैं आपको दिखाता रहूंगा ग्राउंड रियलिटी जुड़े रहिएगा हमारे साथ और गुजारिश है वीडियो जितना ज्यादा ज्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा मैं उश तेजकान कैमरा पर्सन शुभम के साथ फोर पी न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद